गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ फैमिली इश्यूज के कारण मेरी क्लासेस अभी कंटिन्यूटी में नहीं थी, बट डोंट वरी, अभी हम लोग कंटिन्यूटी में रहने वाले हैं। जितनी क्लासेस अभी आपकी रह गई हैं उनको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ओके? बट ध्यान रहे कि हम लोग काम जल्दी जरूर करेंगे, लेकिन समझ के करेंगे। लॉजिक जितना भी आपको मैं समझाता हूँ, जितना भी आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। हमें रटना नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, चाहे वो आपका बिजनेस स्टडी है और चाहे वो आपका अकाउंटेंसी है। फिलहाल आज हम लोग जो क्लास लेने वाले हैं वो आपकी अकाउंटेंसी ही है। आपका जो चैप्टर पार्टनरशिप का स्टार्ट है, वही आपका अभी चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर आपका मेन टॉपिक आपको पता है, आपका जो उसी के अंदर आपका टॉपिक चल रहा है, उसका नाम है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ओके, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड मैंने आपको काफी वीडियो पहले दे चुका हूं, वो वीडियो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि तभी आपको यहां पर ये क्लियर होने वाला है। आप इस बात का ध्यान रखिए। एक बात और, यहां पे कुछ बेसिक्स मैं आपको पहले ही पिछली पुरानी वीडियो में आपको मैं दे चुका हूं, उन बेसिक्स रिलेटेड दो या तीन टॉपिक पे मैं बात करूंगा जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे कि उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। लेकिन बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग समझ के चलेंगे, ना कि इसको रट्टाफिकेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, पार्टनरशिप जो चैप्टर है हमारा, वो हम लोग क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चों, पार्टनरशिप आप लोगों के लिए यहाँ एक स्टडी लेवल पर, जो आपका 12th क्लास में दे रखा है, वो उस लेवल पर तो आपका बहुत ज्यादा जरूरी है ही। बट जब आप लोग बड़े हो जाते हैं, जब आप लोग किसी जॉब पे जाते हैं या अपना कोई बिजनेस करते हैं, तो वहां आपके साथ कोई ना कोई पार्टनर हो सकता है। तो उस पार्टनर में वहां क्या टर्म्स कंडीशन आपके साथ होने चाहिए, कि क्या पार्टनरशिप करने के लिए क्या टर्म्स कंडीशन होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इन चीजों के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो दोबारा आपको वहां सीखना पड़ेगा, या कोई ना कोई आप लोगों का वहां बेवकूफ बना देगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और आपके लिए यहाँ एक लकीली आपको एक चैप्टर दिया गया है, तो इसको पूरा एंजॉय लेके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए। अभी इसमें फंडामेंटल है और आप लोगों को मैंने बता रखा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, वो आज मैं आपको क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, वो आपकी पीछे वाली वीडियो से भी रिलेटेड है, और जो आने वाली वीडियो है उनसे भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो मैंने नाम दिया है वो रहेगा आपका प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, इस हेड का। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि छोटी सी हेड है लेकिन समझने वाली बात है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को जानना है कि एक परफॉर्मा बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? एप्रोप्रिएशन अकाउंट इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? पार्टनर्स की इनकम का, पार्टनर्स के प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हम यहाँ अलग अलग शो कर देते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ, इसीलिए यहाँ भी बता रहा हूँ कि हम ये अकाउंट क्यों बनाते हैं। सिंपली आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। तो इस अकाउंट के अंदर हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अंडरस्टैंड? सैलरी हम दे सकते हैं पार्टनर्स की, प्रॉफिट दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, रिजर्व रख सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सभी चीजें मैं आपको लास्ट जो हमारा टॉपिक जा चुका है, वीडियो जा चुकी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। चलिए सेकंड, एक आपको बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारे जो ये प्रॉफिट दिखाए जा रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम हमेशा डेबिट साइड में ही क्यों लिखते हैं? तो अंकुर सर ने कह दिया कि वो डेबिट साइड में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो डेबिट साइड में ही लिखे जाएंगे। नो, लॉजिक क्या है बेटा? लॉजिक है कि हमारे पास 11th क्लास में एक रूल है, रूल बोलता है नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड एंड ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड। तो हमारे पास जितने भी लॉस होंगे, जितना भी एक्सपेंस होगा, कहाँ डालने वाले हैं?
डेबिट साइड में। तो बच्चों हम लोग अपने एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में डालने वाले हैं। अब आप कहेंगे तो पार्टनर्स का प्रॉफिट है, बिल्कुल, लेकिन कंपनी बिजनेस फर्म का क्या है? ये एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म ने जो पूरे एक साल में अर्न किया है उस अर्न करी हुई अमाउंट को वो अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो डेफिनेटली क्या माना जाएगा? बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा। और जहां एक्सपेंस है वहां वो बता दिया है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट साइड। तो इसीलिए लॉजिक बनता है कि हम लोग यहां पर जितने भी प्रॉफिट हैं पार्टनर से कहां डालते हैं? डेबिट साइड में। आई थिंक आप सब लोगों को सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी आपके पास एक चीज और आती है यहां पर कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है बच्चों? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा मिलकर बंदे एक बिजनेस को वहां पर इकट्ठे करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो वो लोग कुछ अपनी नई नई टर्म्स कंडीशन रख सकते हैं। टर्म्स कंडीशन वो एक रिटर्न में रख सकते हैं जो गवर्नमेंट के सामने रखी जाती है। वो सारी की सारी यदि पार्टनर्स उस सब चीजों को मान ले, सभी पार्टनर्स सभी चीजों को मान ले, तो वो आगे तक के लिए एप्लीकेबल रहती है। उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसको हम बोलते हैं कि आप लोगों ने एक पेपर पर अपनी सभी ने अपनी अपनी कंडीशन रख दी कि हमें ये काम करना है तो हमें इस चीज के पैसे चाहिए, हमें ये काम करना है तो हमें इस चीज के पैसे भी चाहिए प्रॉफिट के अलावा, तो वो सभी चीजें हम लोगों को देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में आपकी चीज क्या रहती है? दो तरह का रहता है, एक होता है एब्सेंस और एक होता है प्रेजेंस। पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस होना, प्रेजेंस होना। तो बेटा जी, यदि पार्टनरशिप डीड बनाई गई है तो उसका मतलब हो गया कि प्रेजेंस होना, तो वहां पर जितनी कंडीशन होगी आपको सभी चीजें देनी पड़ेंगी। लेकिन एब्सेंस का मतलब होता है जहां पर पार्टनर्स ने, दो फ्रेंड हैं, उन लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया, लेकिन उन्हें पार्टनरशिप डीड कोई बना ही नहीं है, नहीं बनाई है, उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? वहां पर सिर्फ दो चीज आपकी एप्लीकेबल रहती हैं, ओनली टू कंडीशंस। वो फर्स्ट इज जितना भी पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा वो हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या बोला मैंने? जितना भी पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा यदि पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनाई है तो। सेकंड इज यदि कोई पार्टनर अपने बिजनेस को लोन दे रहा है तो उस कंडीशन पे पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन ही मिलेगा। ठीक है, आप दोबारा समझ लीजिए, यदि आप एक अपने फ्रेंड के साथ पार्टनर हैं और आपने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और आपको पता है कि आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं और आपके बिजनेस को इस टाइम पैसे की जरूरत है, तो आप अपने बिजनेस को बैंक में लोन देने जाने से मना कर देंगे कि आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, पैसा मेरे पास बहुत है, मैं आपको लोन दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपने कहा कि मुझे 10% का इंटरेस्ट चाहिए, तो बेटा जी आपको 10% का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड यदि नहीं बनाई जाती है तो सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन है कि आपको 6% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा। अब ये कौन कहता है? ये कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हैं। तो इसमें ना तो मैं बोल रहा हूं ना कोई और बोल रहा है, ये एक लॉ बोल रहा है और जिस लॉ को हम सब लोगों को मानना पड़ता है। ओके, तो अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक सारी टर्म्स कंडीशन मैंने आपको समझा दी और आप इजीली अब आपको सामने क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹15,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर की जो कैपिटल है वो एक की 15,000 है, एक की 10,000 है। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड इज एज फॉलोज। तो साफ साफ लिखा हुआ है सेकंड लाइन में बच्चों कि पार्टनरशिप डीड अलाउड है। यहां पर पार्टनरशिप डीड है, इट मीन्स यहाँ प्रेजेंस है, और जहां मैंने बताया था जहां प्रेजेंस होती है वहां पर क्या करना पड़ेगा? सारी कंडीशन जितनी है वो आपको वहां पर शो करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। जो वहां पर दो पार्टनर सीता और गीता हैं, उन दोनों ने मिलकर ये कंडीशन रखी थी कि हमें एक साल में जितनी हमने कैपिटल लगाई है हमें उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट जरूर मिलना चाहिए।
तो दे दो भाई, देर किस बात की है। आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रोफॉर्मा बनाया और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में डाल दिया सीता और गीता का, तो 15,000 का 6% कितना आया 900, और गीता का 10,000 का 6% कितना आया 600, तो दोनों का टोटल किया कितना आ गया बच्चों 1,500, देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे। ओके, अभी यहाँ फर्स्ट कंडीशन हमारी एप्लीकेबल हो गई है, ध्यान रखना है ये हम पार्टनर्स को क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, कोई झमेला नहीं है, बहुत मजा आ रहा है, समझ के चलिए, बोर होने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करिए। ओके, अभी आपके सामने सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन इज सैलरी इज अलाउडेड टू सीता एट ₹500 पर एनम, बोला जा रहा है कि सैलरी हम सीता को अलाउड करेंगे कितनी 500, क्योंकि सीता ने कहा है कि मैं पूरा ऑफिस का काम देखती हूँ, अगर ऑफिस का काम कोई और देखे तब भी तो आप उसको सैलरी दोगे, तो वो सैलरी मेरे को दे दो, किसके अलावा प्रॉफिट के अलावा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा मुझे क्या चाहिए, सैलरी भी चाहिए। तो ठीक है जी, सीता की बात भी मानेंगे, अभी आगे चलेंगे आपको दिखाएंगे, तो सीता को भी हम क्या देंगे, सैलरी देंगे 500। ओके, थर्ड कंडीशन है कमीशन टू गीता एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। गीता कह रही है कि मेरी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, जरा समझ के चलिए बात को, क्योंकि मैं हर टॉपिक को आपको क्लियर कर रहा हूँ। गीता कह रही है कि मेरी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है और हमारी कंपनी के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रही है, नोटबुक प्रोड्यूस की जा रही है, तो जबकि नोटबुक प्रोड्यूस की जा रही है तो मैं मार्केट के अंदर बहुत अच्छी तरह से सोल्ड कर सकती हूँ अपनी नोटबुक बहुत अच्छी तरह से, तो उसका मुझे कमीशन चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और से ये सामान बिकवाते सोल्ड करवाते तो उसको भी तो कमीशन देते। तो गीता ने कहा जितना भी प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, मुझे उसका 10% कमीशन चाहिए। लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको, क्योंकि ध्यान रहे यहाँ पर लैंग्वेज को समझना ही खेल है। क्वेश्चन जब दिया होता है बच्चों तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा रहता है, जितनी बार क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तभी आपको क्लियर होने वाली हैं सब चीजें, लैंग्वेज को जितना कैच करोगे उतनी जल्दी आप आंसर फटाफट निकालोगे। ओके, तो हम कमीशन देने वाले हैं गीता को नेट प्रॉफिट के ऊपर 10%। चलिए फोर्थ, रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड बाय सीता एंड गीता इन द रेशियो ऑफ 3:2, बोला जा रहा है रिमेनिंग। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कौन सा बना भाई, रिमेनिंग प्रॉफिट बन गया, फर्स्ट एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, दे दिया जी, सैलरी दे दी, कमीशन देना था वो भी दे दिया, इन तीनों हेड को देने के बाद जो बच जाएगा प्रॉफिट, जो बच जाएगा उसको बोलेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, इज दैट क्लियर? यस। तो यहां रिमेनिंग प्रॉफिट सीता और गीता में लास्ट मोमेंट पे 3:2 में डिवाइड हो जाएगा, तो 3:2 का मतलब क्या हो गया, 3/5 एंड 2/5, जो भी प्रॉफिट होगा उसको इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन, जिसका नाम इस क्वेश्चन को मैंने दे दिया है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ये ध्यान रखिए इसी का क्वेश्चन का नाम दिया गया है, यहां मैंने इसका क्वेश्चन का नामकरण कर दिया है, ठीक है ना बच्चों, हंसने की जरूरत नहीं है, समझिए प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, द प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹7,000, वो कह रहे हैं इस साल के दौरान आपने प्रॉफिट जो अर्न किया है वो ₹7,000 किया है आफ्टर चार्जिंग सीता सैलरी, लेकिन सीता की सैलरी के बाद का प्रॉफिट है, किसके बाद का है, सीता की सैलरी के बाद का प्रॉफिट है। तो बच्चों अब आप सोचिए, सीता की सैलरी तो प्रॉफिट था, उसको जो हमें देना था उससे पहले ही आपने प्रॉफिट निकाल दिया, तो हाउ कैन बी से, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपने पहले ही उसका प्रॉफिट निकाल लिया, नो, इट मींस आपको एक्चुअल नेट प्रॉफिट यहां पर गिवन नहीं है जो 7,000 दे रखा है, इसमें मुझे सीता की सैलरी को ऐड करना पड़ेगा तब जाके बिफोर बनेगा, इसका मतलब मुझे आफ्टर से बिफोर के प्रोसेस में जाना है, जब मैं आफ्टर से बिफोर के प्रोसेस में जाऊंगा तो मुझे 7,000 के अंदर 500 सीता की सैलरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ₹7,000 का प्रॉफिट जब कमाया, जब सीता पहली आ गई थी खड़ी हो गए और उसने कहा था कि लो जी मेरे ₹500 निकालो, अब देख लो कितना प्रॉफिट बचा, तब देखा तो ₹7,000 बच रहा है, तो जो और पार्टनर थी गीता उसने कहा ये बात गलत है, पहले क्या होगा, पहले आपसे पैसे लिए जाएंगे उसको हम नेट प्रॉफिट मानेंगे तब बटेगा पैसा, समझ में आ रही है बात। ओके, अब यहां पर आपने 7,000 के अंदर क्या ऐड कर दिया बच्चों, 500 ऐड कर दिया, क्यों किया, क्योंकि सीता की सैलरी 500 थी, ऐड करते ही ₹7,500 का आपका क्या बन गया है, नेट प्रॉफिट, देख रहे हैं क्रेडिट साइड में आप, बाय प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट 7,500, यहां तक क्लियर है।
अभी लास्ट लाइन लिखा है प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट, साफ साफ लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएशन। गुड ना? ठीक, यहां तक आप सब लोगों को समझ में आ चुका है। अभी देखिए यहां पर अभी सब कुछ, अभी यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हो चुका है, तो आप नेक्स्ट पेज पर दे सकते हैं कि टू कमीशन टू गीता कितना दे दिया आपने, 750। कैसे आया बच्चों, 7500 जब हम लोगों का नेट प्रॉफिट है तो उसका हमने 10% निकाल लिया। आप नीचे देख सकते हैं गीता कमीशन 7500 इंटू 10/100, 750। तो हमने गीता का कमीशन भी दे दिया। अब हमने सीता की सैलरी दी है जो हमको देनी थी, अब पहले नहीं देनी थी, बाद में देनी थी। ओके, अब आपके पास जो प्रॉफिट बचा है वो बचता है फोर्थ पॉइंट वाला, जिसको बोलते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। वो कितना बचा आपके सामने, 4750। अब यहां पर जो प्रॉफिट बचा था, कंडीशन बोली गई थी कि सीता और गीता को 3:2 के रेशो में डिवाइड कर देंगे, तो आपने वही कर रखा है 3/5 और 2/5, दोनों टोटल इक्वल हो चुका है। कंपनी के पास 7500 थे और कंपनी ने 7500 के 100 के पूरे सीता और गीता में बांट दिए हैं। यहाँ क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उन्हें क्वेश्चन को जरूर करेंगे और मुझे उनकी आंसर शीट मेरे पास पर्सनल नंबर पे मेरे को सेंड करेंगे। ये ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आने वाला है। तो बच्चों एक बात तो मान के चलिए कि आपके स्कूल अभी कुछ नहीं पता है कि कब खुलने वाले हैं, तो इसीलिए आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट रहेगा। और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग, चाहे मेरी ये अकाउंटेंसी की वीडियो है, चाहे वो आपकी बिजनेस स्टडी की वीडियो है, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स की है, चाहे वो आपकी कोई सी भी वीडियो है, इंग्लिश हिंदी समथिंग जो भी हो सकता है, उनकी आप पूरी कोशिश करिए, पूरी मेहनत करिए, उनकी नोटबुक बनाइए और जिसको जो प्रॉब्लम आती है वो अपने टीचर से जरूर पूछिए। बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी वीक में आपको जितना भी कराऊंगा, तो वीक के लास्ट में मैं आप लोगों के पास एक छोटा सा टेस्ट भी आप लोगों को जरूर दूंगा, वो ऑनलाइन रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।